हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को घुमाने ले जाऊंगा गरुड़ोंगमर लेक, जो कि एक बहुत ही सेक्रेट लेक है और बहुत हाइट पे है और इंडिया का सबसे हाइस्ट लोकेटेड लेक है। ये लगभग 17,000-18,000 फीट हाइट पे है और आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पे पहाड़ों में बर्फीला पहाड़ रहता है, बहुत अच्छा वाला व्यूज आता है यहाँ से। तो दोस्तों, ये जो गरुड़ोंगमर लेक है ये नॉर्थ सिक्किम में है और मैं आपको अभी सारा चीज़ बताऊंगा, सारा डिटेल्स गरुड़ोंगमर लेक के बारे में बताऊंगा। चलिए तो दोस्तों, ये जो गरुड़ोंगमर लेक है इसके लिए आपको पास एंड परमिट दोनों गैंगटोक से मिलता है, और गैंगटोक नहीं तो मंगन एक नॉर्थ सिक्किम में गैंगटोक के आगे आता है। तो ये दोनों जगह पर आप पास अप्लाई कर सकते हैं नॉर्थ सिक्किम का। और नॉर्थ सिक्किम खाली गरुड़ोंगमर लेक नहीं है, लाचेन, गरुड़ोंगमर लेक, लाचुंग, जीरो पॉइंट, ये सब चीज़ का आप पास बना सकते हैं और बिना पास के आप एंट्री नहीं कर सकते अदर देन सिक्किम का जो वहाँ का लोकल रहते हैं, सिक्किम का जो लोकल पीपल रहते हैं उनके अलावा कोई भी अगर वहाँ जाना चाहता है तो पास और परमिट दोनों चाहिए आपको वहाँ। दोस्तों, ये जो गरुड़ोंगमर लेक है ये बहुत हाइट पे है और आपको लद्दाख जैसे फीलिंग आएगा, लद्दाख में जैसे पेंगोंग लेक है सेम टाइप का ये गरुड़ोंगमर लेक है। लगभग 17,000-18,000 फीट हाइट पे है और विंटर में यहाँ पे बहुत स्नोफॉल रहता है और ये मैक्सिमम लोग अप्रैल और मई में विजिट करते हैं ताकि थोड़ा सा स्नो कम रहता है और बहुत अच्छे से आपको देखने को मिलेगा जो लेक का जो नज़ारा है। आप देख सकते हैं ये जो अभी बंजर ज़मीन दिख रहा है, ये अगर आप नवंबर दिसंबर में आएंगे तो पूरा बर्फ दिखेगा, पूरा वाइट दिखेगा चारों तरफ, तो इसलिए लोग यहाँ पे अप्रैल मई में बहुत ज़्यादा आते हैं टूरिस्ट लोग। तो दोस्तों, मैं भी अपनी बाइक से गया था, ये अप्रैल में किया था, अप्रैल 2022 में ये जो गरुड़ोंगमर लेक वाला जो ट्रिप मैंने किया था बाइक में, और मैं सिक्किम से गैंगटोक एंट्री करके गैंगटोक से मैंने पास बनाया नॉर्थ सिक्किम का, और उसके बाद फिर मैं डे वन में गैंगटोक से लेकर लाचेन तक पहुँचा और आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं। और लाचेन से लेकर गरुड़ोंगमर लेक और गरुड़ोंगमर लेक से काला पत्थर होके हुए फिर मैं वापस लाचेन गया डे टू में, और ये डे वन, डे टू, डे थ्री ऐसे करके सारा वीडियो है, आप लोग मेरा चैनल पर देख सकते हैं। आप लोगों को डिटेल्स चाहिए पूरा ट्रिप कैसे करना है क्या करना है, ये ए टू जेड डिटेल्स आपको उस वीडियो में मिल जाएगा दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो ये गरुड़ोंगमर लेक के बारे में बता दूं दोस्तों, ये बहुत ही सेक्रेट लेक है और अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट एक बहुत ही सेक्रेट लेक माना जाता है और इसका पानी को लोग पूजा करते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे पहुँचोगे तो ऑक्सीजन बहुत कम रहता है दोस्तों यहाँ पे, और मैं अभी यहाँ पे लेक के नीचे आया हूँ, आप लोग लेक के पास जा सकते हैं नीचे तक, बाईवॉक जाना है और वहाँ पे लगभग बहुत ज़्यादा हाइट है तो ऑक्सीजन के लेवल बहुत कम है, 50-60% कम है नॉर्मल एयर से ऑक्सीजन। तो आप लोग वहाँ पे पहुँचने के बाद बहुत ही सोच समझ के सारे स्टेप उठाना है, ऐसे नहीं कि थोड़ा दौड़ भाग कर लिया, नया जगह पे पहुँचने के बाद एक होता है एक्साइटमेंट कि थोड़ा दौड़ भाग कर लेते हैं, इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना है क्योंकि वहाँ पे पहुँचने के बाद लोग उल्टियाँ करते हुए मैं खुद देखा हूँ, लोग वोमिटिंग करते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे दोस्तों आप लोगों को चॉकलेट्स एंड पॉपकॉर्न बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, तो ज़रूर लेके जाना ये दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं कितने अमेजिंग फोटो लिया था मैंने, एकदम मस्त मस्त फोटो आता है दोस्तों, क्योंकि पीछे जो बर्फीले पहाड़ दिखते हैं और लेक का जो अमेजिंग पिक्चर्स आते हैं ना, बहुत आपको यादगार रहेगा और बहुत अमेजिंग पिक्चर आएगा दोस्तों। तो ये जो गरुड़ोंगमर लेक जाने के लिए आप बाइक में जा सकते हैं, नहीं तो आपको कैब मिलता है दोस्तों, वो शेयर टैक्सी रहता है गैंगटोक से मिलता है, वो तीन दिन का, दो दिन का ट्रिप रहता है उनका, गरुड़ोंगमर लेक, लाचेन, लाचुंग, गुजीरो पॉइंट, ये सब घुमा के आपको दो तीन दिन में ले जाते हैं वो लोग, और पास परमिट वगैरह वो सब लोग देखते हैं। आप टूरिस्ट एजेंट से बात करके, टूर एजेंट जो भी है गैंगटोक में उनसे बात करके आप आ सकते हैं। अगर आपके पास बाइक नहीं है, अगर आप शेयर टैक्सी में थोड़ा सस्ता में जाना चाहते हैं तो आप शेयर टैक्सी में आ सकते हैं गैंगटोक से। तो दोस्तों, यहाँ पे पहुँचने के बाद आप लोगों को यहाँ पे बस एक लेक है और यहाँ पे एक छोटा सा मोनास्ट्री है और यहाँ पे कोई दुकान वगैरह नहीं है गरुड़ोंगमर लेक में। जो भी दुकान था ब्रेकफास्ट के लिए इस गाईगांव चेक पोस्ट यहाँ से 10 किलोमीटर पहले है आर्मी का, वहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट कैफेटेरिया है, वहाँ पे आप खा सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पानी पीने के लिए भी दुकान नहीं है दोस्तों। तो आप लोग जो भी यहाँ पे पहुँचने के लिए जो भी आप सामान चाहिए सब लेके आना है, पानी का सामान, खाने का सामान, सब कुछ लेके यहाँ पे आना है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो दोस्तों, अभी मैं आपको ये मोनेस्ट्री के अंदर लेके जा रहा हूँ। ये मोनेस्ट्री जो है ये आर्मी मैनेज करता है और आर्मी लोग यहाँ पे इसको मेंटेन करते हैं। और ये जो जगह है दोस्तों, ये गरुड़ोंगमर लेक, ये सिक्किम का हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ तक कोई टूरिस्ट जा सकता है, तो आप लोगों को बहुत अमेजिंग लगेगा दोस्तों ये जगह। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप लोगों को कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी डाटा चाहिए गरुड़ोंगमर लेक के रिगार्डिंग, आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई दूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।